ये बन रहा है भाई, 75वां महोत्सव बहुत तगड़ा वाला यार, यादगार। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, होपफुली सभी ठीक होंगे, एकदम बिंदास होंगे। सो गाइस, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, ये ब्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखना, और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सो गाइस जो भी रैली निकली है भाई, कितनी बेहतरीन रैली निकली है यार। कितना अच्छा लगता है जब आप एक साथ तिरंगों को देखते हो, मतलब सबके घरों पर एक एक तिरंगा, तो कितना अच्छा लगता है भाई। ऐसा लगता है भाई कुछ अलग, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगता है। सो आप वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में आपको मैंने रैली ही दिखाऊंगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइस ये देखिए, यहाँ पर रैली, सबसे तगड़ी रैली मेरे को यहीं पे लगी है। अभी तो कम से कम यहाँ से 100 बाइक गई हैं, 100 बाइकों पे कम से कम झंडा था भाई। बहुत तगड़ा सीन था, एक नंबर सीन था, वो सीन तो रह गया। मैं अंदर बैठा था बल, लेकिन भाई सबसे बढ़िया मेरे को यही लगा था। देखो ट्रैक्टर वाला कोई कम नहीं पड़ रहा, कोई झुकेगा नहीं साला। भाई देख रहे हो क्या सीन है भाई, एक लंबा जो अभी तो और भी पीछे गाड़ी आ रही है, वो वाला सीन मेरे को बहुत लगा। कम से कम यहाँ से अभी 100 गाड़ी गई होंगी, बाइक गाड़ी भाई सब पे झंडा झंडा भाई, वो वाला सीन था यार, वो रह गया, मिस हो गया। देखो ये आ रहे अभी ट्रैक्टर और आगे, क्या मस्त लग रहे हैं भाई यार, एक अलग ही सीन है भाई। ऐसा मैंने लाइफ में कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं है, पहली बार हो रहा है, लेकिन भाई जो भी है एक नेक्स्ट लेवल है भाई। देख लो सब, हर जगह झंडा है। देखो ये भी और भी आ रहे हैं भाई, अलग ही लेवल है, नेक्स्ट सीन भाई, और मज़ा आया, और कल को तो और भी मज़ा आएगा भाई। गाइस ये देखिए रैली, तगड़ी तगड़ी, एक इधर से और एक उधर से भाई, ये है तगड़ा सीन। क्या लिप, ऐसा देखा है आपने कभी पहले? ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना ऐसा। ये चंडोस नगर निगम की गाड़ी, देख रहे भाई साहब क्या तगड़ा सीन है। देख रहे भाई कितनी मस्त रैली है, एक जा रही है एक आ रही है। अभी हम आए हैं नरोरा गंगा जी पर नहाने के लिए, ये देखिए। गाइस जहाँ से हमें आना चाहिए था मेन गेट से, वहाँ से तो हम आए नहीं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं नहा रहा, हम बस 3-4 ही हैं। देख रहे हो आप पीछे से कोई भी नहीं है। इसको देखो मेन गेट में आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो गाइस इसका मेन गेट वहाँ से, देखो आपको सामने इसमें नहीं दिख रहा होगा, देखो सामने वहाँ से इसका, वहाँ पे इसका घर है। इस पर तो वहाँ पर तो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ये देखिए गाइस ये है VIP रास्ता। और जो आपको मैं बता रहा था जो बाइक वगैरह गई थी, अरे फिर निकल गई, देखो वो जा रही है यहाँ से, बाइक जा रही है, वो मैं बता रहा था ना आपको पहले, कम से कम 100 बाइक होंगी यहाँ से। देखो इतना मस्त लग रहा भाई झंडा यार, बहुत ही अलग लेवल है इनका तो। यहाँ पार्क कौन सा था खेलने वाला, पार्क कौन सा था यहाँ पे? टाउनशिप बोलते, क्या बोलते? टाउनशिप। तो गाइस इसको टाउनशिप बोलते हैं। ये है आपका नरोरा में, ये देखो ये निकल रही भाई रैली, ये है बहुत तगड़ी वाली रैली, इसका कोई तोड़ नहीं है, नेक्स्ट लेवल है। ऐसी रैली नहीं देखी होगी ना मैंने अपनी वहाँ पे, देखी ये है, देखो भाई ये देखो भाई दिख रही है आपको, आगे लो भाई, खुद निकाल दूंगा।
ये देखो भाई बंदे भाई भारत माता की कोई बोली नीचे भाई ये देखो भीड़ बहुत तगड़ी है और ये है टंकी ये देखो यहाँ से दिख रहा पूरा ऐसी रैली निकलनी चाहिए कल अपने 15 अगस्त को तब आएगा मजा तगड़ा वाला मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई इतना गंदा पोपट हुआ है बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गई यार। यहाँ पर कोई आसपास कोई पेट्रोल टंकी नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर या तो आगे जाना पड़ेगा या पीछे चले जाओ। बीच में कोई भी हाँ यार सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत बिना उसके किसके बिना उसके बाइक के पेट्रोल नहीं देगा बोतल में यार। बहुत ज़्यादा पोपट हो गया बहुत गंदा वाला। और मम्मी कह भी रही थी बाइक में पेट्रोल पड़वा ले बट यार पता नहीं चलता बिना मीटर वाली गाड़ी का ये सीन रहता है उसमें पता ही नहीं चलता साला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और कमेंट पे जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी कमिंग सून।